रोज क्या कर रही है? वाह, जरा देखो मेरा बच्चा कैसे बदल गया है। यह बिल्कुल मेरी तरह हो रहा है। अब मेरे पास कार नहीं बल्कि एक असली गुलाबी पॉम पॉम है। अभी देखना, मैं इसका कायाकल्प कर दूंगी। देखो ये कितना अच्छा लग रहा है ना? बहुत बढ़िया। लड़कियों देखो, अब रोज की कार ज्यादा कूल लग रही है। चलो इस प्यारी चीज को सामने से देखें। ओह, ये कितनी मुलायम है। हाँ, छूने में कितना अच्छा लग रहा है। कार को खूबसूरती से सजाया गया है। तुम्हें यह समझ आ गया बेन? उन्हें मेरी कार तुम्हारे कबाड़ से ज्यादा पसंद आ रहा है। अच्छा, कबाड़? मैं अभी कार को एक असली मॉन्स्टर में बदलने जा रहा हूँ। मुझे बस एक बटन दबाने की जरूरत है। इस तरह की ट्यूनिंग के बाद मेरे बच्चे को पहचाना भी नहीं जाएगा। बस तुम लोग देखते रहो कि अभी मैं क्या काम करने वाला हूँ। यह एकदम बदलने वाला है। मैं इसे काले रंग में रंग रहा हूँ। ओह हाँ, अब तुम तुरंत देख सकती हो कि एक हैंडसम लड़का इस कार में सवारी कर रहा होगा। बहुत अच्छा। अब बस इसमें थोड़े मोड़े कुछ छोटे काम बचे हैं। हाँ, यह यहाँ अच्छा रहेगा। वाह बेन, यह तो कमाल का है। तुम बहुत हैंडसम हो और तुम्हारी कार भी वैसी ही है। हाँ लड़कियों, मैं हैंडसम हूँ और मेरी कार इस गुलाबी बाल्टी की तुलना में स्पष्ट रूप से अधिक सुंदर है। मैं अपनी कार को बेन की तुलना में ज्यादा कूल कैसे बना सकती हूँ? बिल्कुल, मुझे अपने कार को अधिक आरामदायक और सुंदर बनाना होगा और इसके लिए मुझे कुछ काम करने होंगे। और ऐसे मामले में टेडी बेयर के बिना काम नहीं चलता है। यह अच्छा रहेगा। थोड़ी क्यूट चीजें कहीं भी बुरी नहीं लगेंगी और यह जितनी ज्यादा होंगी उतनी ही ज्यादा मेरी कार खूबसूरत दिखेगी और मैं भी उतनी खुश होंगी। एटमॉस्फेरिक रोशनी भी कुछ बुरा नहीं रहेगा। तो दोस्तों, तुम्हें यह कैसा लग रहा है ना अच्छा? रोज, यह तो हमारी कल्पना से भी ज्यादा अच्छा है। बहुत बढ़िया। बेन, तुम्हें यहाँ क्या चाहिए? अपनी बोरिंग ग्रे कार में जाओ। अच्छा, तो यह बात है। चलो देखें कि किसकी कार उबाऊ और ग्रे है। मैं यहाँ सीट पर स्कल प्रिंट वाला कवर लगाऊंगा और फिर इन चेन की सहायता से इसे पूरी अच्छी तरह से सजाऊंगा। और यह स्कल स्टैंड कैंडिस के लिए भी इधर रहेगा। व्हील पर चेन लपेट देता हूँ। अब यह अच्छा है। अब मेरी कार न केवल बाहर से बल्कि अंदर से भी मॉन्स्टर दिखेगी। लड़कियों, क्या तुम मेरी कार में घूमना चाहती हो? नहीं, हमें यहाँ अच्छा लग रहा है। और मेरे पास कुछ कूल स्पाइक्स भी है। आह, ये भी नुकीले हैं। आखिर क्या करूं जिससे उनका ध्यान मेरी तरफ जाए? ओह हाँ, बिल्कुल, मैंने ऐसा पहले क्यों नहीं सोचा। कार को असली गेमिंग सैलून में क्यों ना बदले? न केवल एक कंसोल होगा बल्कि बहुत सारे ट्रीट्स भी होंगे, जैसे कि कोला। यह हमेशा सभी को पसंद होता है। हाँ, यह ठीक रहेगा। अब देखो। क्या? लड़कियों रुको। ओ नहीं, वह मुझसे फिर से दूर भाग गई। चलो उसे मारो। बस यह, शायद मैं भी अपनी डिक्की को दिलचस्प बना सकती हूँ। देखती हूँ। सबसे पहले मुझे यहाँ सारा कचरा फेंकना बंद करना होगा। ये कितना गंदा है। छी। और क्यों ना ट्रंक को लड़कियों के लिए असली ड्रीम हाउस में बदल दे। यह गुलाबी होगा और इसमें डॉल्स होंगे और बहुत सारे सॉफ्ट टॉयज। दोस्तों देखो, ये कितना अच्छा लग रहा है ना? रोज, परेशान मत करो, हम खेल रहे हैं। इससे कुछ मदद नहीं की, ये सही नहीं है। बेन, तुम्हारे यह कोक वाला आइडिया सच में बहुत अच्छा रहा।
लेकिन ऐसा लगता है मुझे अकेले फल और केक के साथ स्वादिष्ट कॉकटेल पीना होगा। दोस्तों तुम लोग लो ना या। हाँ हाँ चलो हम तुम्हारे पास आते हैं। रुको मुझे मत छोड़ो, मुझे ये भी पता है कि तुम्हें कुछ स्वादिष्ट कैसे खिलाना है। मैं अभी कुछ करता हूँ, मेरे पास बहुत सारे आइडियाज हैं। मैं इधर यहाँ चेन के सहारे इन बोर्ड्स को लटका दूंगा, हाँ देखो इस तरह से, और इस पर मैं इन सॉसेस को पका सकता हूँ। कितनी अच्छी महक है दोस्तों, बहुत जल्दी यह तैयार हो जाएगा। बम्पर के ठीक ऊपर बहुत स्वादिष्ट हॉट डॉग बना सकता हूँ मैं। हॉट डॉग ये वास्तव में अच्छा है, हम इसे खाएंगे। यह लो तुम सब लोग यह खाओ। रोज क्या तुम्हें भी यह चाहिए? बेन ये तुमने अच्छा नहीं किया। मैं अपने दम पर ठीक हूँ। आह वहाँ क्या चल रहा है? वो लोग क्या कर रहे हैं? क्या इतना काफी नहीं था? इतने जोर से लोग गाना बजा रहे हैं, यह अच्छा नहीं है। मेरे दोस्तों को यह पसंद है। मुझसे ईर्ष्या मत करो रोज। अच्छा तो वे डिस्को चाहते हैं, तो फिर उन्हें यह मिलेगा, और यह बेन के किसी गिटार की तुलना में अच्छा होगा। मैं अपनी कार के ट्रंक के ठीक बगल में अपना क्लब बनाऊंगी। इन सॉफ्ट टॉय को हटा देती हूँ और इसकी जगह यह साउंड बॉक्स लगाती हूँ, और यह लाइट्स और यह डिस्को बॉल यहाँ एकदम सही रहेगा। और अब म्यूजिक की बारी, अब इसे ऑन करूंगी। दोस्तों चले आओ मेरे साथ शामिल हो जाओ। ओ वाह कितना कूल म्यूजिक है, हम तुम्हारे पास आ रहे हैं। ओ कहाँ जा रहे हो तुम लोग, ये किस तरह की बेकार लड़कियां हैं? वाह कितना बढ़िया। ओ ये लड़कियां एकदम बेकार हैं। रोज तुमने ऐसा क्यों किया? चलो नाराज मत हो, अच्छा होगा कि हमारे साथ डांस करो। चलो आओ। क्या सच में तुम कितनी प्यारी हो, चलो चलते हैं। वाह ये कितना बढ़िया डिस्कोथीका है। Awesome! कुछ मुझे बता रही है मेरे पास कुछ स्वादिष्ट है, लेकिन मेरे पास नहीं है, इसके अंदर कुछ बहुत तीखा है। मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे डर लग रहा है। चलो चिंता मत करो, तुमने तो अभी तक खाया भी नहीं है। चलो तुम थोड़ा शांत हो जाओ, तब तक मैं शुरू करती हूँ। मैं बस जानना चाहती हूँ कि सिरिंज में क्या है। अरे स्वादिष्ट बारिश, वाह हाँ वो स्वादिष्ट था। अब मेरे लिए एक अच्छा ट्रीट भी इंतजार कर रहा है इस पैकेट के अंदर। अभी तो ये किसी तरह की पाउडर की तरह लग रहा है। ये पॉप रॉक्स है, कितना अच्छा। वाह मुझे ये पसंद आया, कितना मजा आ रहा है। मैं ये सारा एक बार में खाना चाहती हूँ, तब इसका असर और भी ज्यादा होगा। ओह कितना अजीब, ये कुछ ज्यादा ही हो गया। इन पॉप रॉक्स में कुछ बहुत ही गड़बड़ है। हाँ सच में तुम्हारी जीभ बहुत नीली हो गई है। हाँ मदद करो। हाँ इस वक्त तुम्हारी नीली जीभ को ये सिरिंज ठीक कर सकती है। धन्यवाद यार, अब मुझे ठीक लग रहा है। मुझे तो लग रहा था मैं जिंदगी भर उस नीले जीभ के साथ ही फंस जाती। सूजी अब तुम देखो तुम्हें क्या मिला है। पर मुझे पता है क्या है, और मैं ये भी जानती हूँ कि इसके अंदर जो भी है बहुत तीखी होगी। मुझे बेशक चिप्स बहुत पसंद है, पर यह वाले मेरे लिए नहीं है, लेकिन खाना तो पड़ेगा। कितना बुरा, ओह मेरी जीभ तो लगभग पिघल ही गई है। नहीं मुझे ये बकवास नहीं खाना। हाँ मैं समझ सकती हूँ, पर नियम तो नियम है, तुम्हें करना ही होगा। उफ ठीक है, पर आग लगेगी तो तुम्हें ही बुझाना होगा। जय सब तुम्हारी गलती है। ओह ओह मुझे पता है कुछ बुरा होने वाला है। अजीब है वो कितनी देर से गई हुई है। लगता है वो आ रही है। ओह मैं पहुंच गई। वो मेरी जिंदगी की सबसे लंबी और खतरनाक फ्लाइट थी। तुमने मुझे लगभग मार ही दिया था।
तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? अरे शांत हो जा जैस, मजेदार तो था ना। वाह, देखती हूँ मुझे क्या मिला है। किसी तरह के मगरमच्छ की तरह लग रहा है, प्यारा है, पर इसके साथ मैं क्या करूँ? आउच! कितना अच्छा, एकदम असली के जैसा। सोजी, मेरा मगरमच्छ तुम्हें काटने आ रहा है। मैं बिजी हूँ, मुझे अपना ढक्कन उठाना है। तुम्हारा ढक्कन इंतजार कर सकता है या मगरमच्छ तुम्हें काटने आ रहा है? पकड़ लिया। ओ, कितना दर्द हो रहा है। मैंने कहा ना मुझे मत छुओ और अपना मगरमच्छ यहाँ से हटाओ। वाह, लगता है कि यह सिर्फ मगरमच्छ ही नहीं है, बाहर से मगरमच्छ पर अंदर से स्वादिष्ट लॉलीपॉप है। उफ, मेरा लॉलीपॉप! नहीं, यह मेरा है तो मैं ही इसे चाटूंगी। अब तुम देखो उस ढक्कन के नीचे क्या है। अरे हाँ, मेरे लिए भी कुछ स्वादिष्ट इंतजार कर रहा होगा। उप्स, यह कुछ खाने के लिए नहीं है, यह एक बटन है। शायद मैं अगर इसे दबाऊं फिर कुछ अच्छा आ जाए। यह क्या हो रहा है? मुझे डर लग रहा है। यह क्या है? सब कुछ इतना अजीब क्यों है? देखो कुछ तो आया। मुझे ऐसे क्यों बांध रहे हो? लगता है कुछ बहुत ही खतरनाक है। उसने कहा कि मैं इसे सिर्फ ग्लव्स पहनकर खा सकती हूँ। अजीब है कि इसे छू नहीं सकते पर खा सकते हैं। तो खाओ ना, मुझे बताओ कैसा है। किसी वजह से मुझे उतनी भूख नहीं लगी है, पर आशा है कि कुछ मीठा हो। ओके। यह क्या? इतना खट्टा? मुझे खट्टे कैंडी बहुत पसंद है। अगर तुम्हें पसंद नहीं आया तो मैं खा लूं। मुझे वो पसंद आया। मुझे और कैंडी चाहिए। ओह जेस, तुमने इतने सारे क्यों खा लिए? अजीब लग रहा है, ऐसा मेरे साथ पहले कभी नहीं हुआ। मुझे कुछ हो गया है। हाँ, क्योंकि तुमने पूरा एक डब्बा कैंडी खाया है। मुझे जल्दी खुद को ढकना होगा कि मुझे कुछ हो ना जाए। देखो, कैंडी ने तो मेरी कुर्सी में छेद बना दी, तो पता नहीं तुम्हारे अंदर क्या चल रहा होगा। मैं टॉक्सिक वेस्ट अब कभी नहीं खाऊंगी। या क्या, मुझे एक टॉयलेट मिला है, पर क्यों? और मेरे पास गमी आंखें हैं, और सिर्फ एक नहीं, काफी सारे। बहुत बढ़िया है, पर मैं इस टॉयलेट के साथ क्या करूं? बाद में सोचना, मैं अपनी ट्रीट खाती हूं। मैं सच में जानना चाहती हूं कि यह कितना स्वादिष्ट है। अंदर कितना सिरप है, यह कितना मीठा है, और गमी भी बहुत अच्छे हैं। देखो, इसे सिर्फ खाया ही नहीं बल्कि इसके साथ खेला भी जा सकता है। वैसे और मजा आएगा अगर मैं यह सब एक बार में खा लूं। वाह वाह, क्या वो सच में इतना स्वादिष्ट है? हाँ, पर बहुत सारे थे, मेरे गले में फंस गया है। मदद करो। क्या, मैं मदद कैसे करूँ? अरे हाँ, अगर कुछ फंस जाए तो प्लंजर हमेशा काम आता है। वैसे आमतौर पर इसे दूसरी स्थितियों में इस्तेमाल किया जाता है। हो गया, मैंने तुम्हें बचा लिया। हाँ, और मैं तुम्हारी बहुत आभारी हूँ। अब तुम भी अपना टॉयलेट खाओ। वैसे भी वो है क्या? हाँ, अब समय आ गया है ये पता लगाने का। टॉयलेट पता नहीं क्यों जरूरत पड़ेगा, पर इस लॉलीपॉप की तो मुझे जरूरत है। ये हमेशा जरूरत पड़ते हैं अगर कुछ स्वादिष्ट खाने का मन हो। चुपा चुप कमाल का होता है। अच्छा है कि मेरे पास एक और था। अरे वो कहाँ गया? जैस, वो मुझे दो। लालची, मुझे एक लॉलीपॉप भी नहीं खाने दिया। तुमने मुझसे पूछा भी नहीं था, चोर। और इस टॉयलेट के अंदर ये पाउडर को लगा के देखती हूँ। यह खट्टा है, इससे यह चुपा चुप और भी मस्त हो गया। सूजी ने मुझे अपना लॉलीपॉप नहीं खाने दिया, पर कम से कम मैं उसका पाउडर खाकर देखूंगी, जरूर स्वादिष्ट होगा। ओ माफ करना, यह मैंने क्या कर दिया? चिंता मत करो, मैं जल्दी से तुम्हारी उंगली तुम्हारे नाक से निकाल दूंगी। वैसे यह मेरी गलती है तो मुझे करना ही होगा।
उफ, कितना मुश्किल है। ये धन्यवाद, मैंने कहा था ना कि मैं जरूर मदद करूंगी। हाँ, तुम तो मेरी एकदम सच्ची दोस्त हो। क्या मैं ढक्कन पहले खोल सकती हूँ? मुझे जानना है अंदर क्या है। वाह, क्या सरप्राइज है, इतने सारे स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी मेरा फेवरेट फल है, इसलिए मैं ये सारे आराम से खा लूंगी। पर ऐसे खाना थोड़ा बोरिंग है, मुझे एक दिलचस्प तरीका सोचना होगा। हाँ, ये थी मेरी बेरी ट्रिक। पसंद आई जेस? हाँ, बहुत अच्छा। और सिर्फ एक ही नहीं, मैं जितने बेरी चाहूँ उतने पकड़ सकती हूँ। ये बहुत मजेदार है। वाह, सूजी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अगर मैं एक स्ट्रॉबेरी ले लूं। बिल्कुल नहीं, इससे पहले कि मुझे गुस्सा आए वो बेरी वापस दे दो। तुम मेरी ट्रीट लेना चाहती थी, तुमने हिम्मत कैसे की? मुझे बस कुछ स्वादिष्ट खाना था। तो अपना ढक्कन खोल कर देखो, हो सकता है कुछ अच्छा मिल जाए। अरे हाँ, बढ़िया आइडिया है। वाह, ये एक लॉलीपॉप है, कितना बड़ा और सुंदर। लेकिन इसके अंदर क्या है? ये तो एक कॉकरोच है। ओह, मुझे ये नहीं चाहिए। तुम इतना क्यों डर रही हो? अंदर का कॉकरोच हिल भी नहीं सकता है। तो खाओ, मैं मदद करती हूँ। कैसा लगा? कहा था ना कि कुछ डरावना नहीं है। हाँ, अब तो ठीक है। कॉकरोच, वो डंडे पर आ गया है। कहाँ? मुझे पता था ये बहुत बुरा होने वाला है। अब इस कॉकरोच को मेरा सामना करना होगा। अब मैं इसे मार कर रहूंगी। यह लो, ये तुम्हारे लिए है, यह लो। अरे, अब ये तो जूते पर चल रहा है। आखिरकार अब वो कॉकरोच गया। ये इधर है, इधर, एकदम मेरे सिर पर। मुझे बचाओ। हाँ, अगर तुम्हारा उस जूते से कुछ नहीं हुआ तो मेरे इस बड़े चप्पल से काम हो जाना चाहिए। अब तो कॉकरोच गया और तुम भी। कितना सुंदर है, मुझे नीला रंग बहुत पसंद है। और मुझे एक नीला केक मिला है, इसे कहते हैं किस्मत। और मुझे गुलाबी रंग पसंद है, जो सभी लड़कियों को पसंद होता है। और मेरा केक गुलाबी है, स्ट्रॉबेरी के साथ। वाह, कितना सुंदर और बड़ा केक। पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे काला केक क्यों मिला है। आशा करता हूँ कि यह स्वादिष्ट हो। ये तुम बाद में पता कर लेना, क्योंकि मैं पहले खाना चाहती हूँ। मेरे केक को गमी आइट से सजाया गया है, इसे पहले खेल सकते हैं और फिर इसे खा सकते हैं। कितना बढ़िया है। जब तक तुम खेल रही हो, हम कुछ गमी तुमसे चुरा सकते हैं। अपने हाथ हटाओ। तुम्हें मेरे केक को छूने की इजाजत किसने दी? और मेरी आंखों को? हिम्मत भी मत करना। ठीक है, चिल्लाओ मत। मैं अपने केक और कैंडी को खुद संभाल सकती हूँ। ये तुम्हारे मुंह में जाते ही गायब हो जा रहे हैं। इसे कहते हैं स्पीड, क्योंकि इसका स्वाद बहुत अच्छा है। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि कितना। देखो, अब मेरे पास अंतिम आग बची है। क्या इतनी जल्दी खा सकना संभव है? देखो, लगता है मेरी तीसरी आंख है। यह सच में असली की तरह लग रहा है, कितना अच्छा। खैर, अब आंखें खत्म हो गई हैं, अब केक की बारी है। कितना स्वादिष्ट क्रीम है, मुझे ये खाना ही है, इसे छोड़ा नहीं जा सकता। ओ, इसे देखकर मेरा सिर घूम गया। बस हो गया, सारी फ्रॉस्टिंग खत्म हो गई। यह तुमने क्या किया, बेचारा केक। अब बस केक का भूरा बोरिंग हिस्सा बचा हुआ है, अब इसे हटाया जा सकता है। अब सूजी का हो चुका, इसका मतलब मेरी बारी। आशा करता हूँ कि केक का यह रंग किसी भी तरह उसके स्वाद को प्रभावित नहीं करेगा। वाह, यह केक वास्तव में स्वादिष्ट है, बहुत बढ़िया। हाँ, पर तुम वो काले ब्रोकली को क्यों छोड़ रहे हो? क्योंकि मुझे वह पसंद नहीं है। मेरे पास पर्याप्त स्वादिष्ट केक है। यह तुम क्या कर रहे हो? असल में तुम्हें जो कुछ भी मिला है, तुम्हें वह सब खाना होगा। सूजी, मुझे परेशान मत करो, मेरा पेट भर गया है। तुम्हें यह खाना ही होगा। No. नहीं, मुझे अब नहीं खाना।
अगर तुम्हें खुद से नहीं खाना है तो मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। देखो मेरे पास क्या है, अब मैं तुम्हें खिलाऊंगी। नहीं, मुझे नहीं खाना। देखो हवाई जहाज आ रहा है, मुंह खोलो। ओह, अपने हाथ गंदे करने की भी जरूरत नहीं है। छी, इसका स्वाद कितना गंदा है। एक और मम्मी के लिए। बस हो गया, ये बहुत बेकार है, मुझे ब्रोकली पसंद नहीं है। आखिरकार अब मैं अपना केक खा सकती हूँ। मेरे पास एक अच्छा आइडिया है, उन ब्रोकली के लिए मैं मैरी से बदला लूंगा। छी, तुम्हारे केक से इतनी बदबू क्यों आ रही है? क्या सच में इससे बदबू आ रही है? ऐसा होना तो नहीं चाहिए। तुमने ये क्या किया? क्यों? वाह, अब तुम्हारे पूरे चेहरे पर स्ट्रॉबेरी है और फ्रॉस्टिंग भी। तो क्या ये अभी भी स्वादिष्ट है? ओह हाँ, तब फिर ठीक है, शायद हम भी इसे खा सकते हैं। I said get out. किसी हाल में नहीं, मैं ये सारा खुद खाऊंगी। खैर, हम सिर्फ इंतजार कर सकते हैं। ये सही नहीं है। वाह, कितनी छोटी सी सुंदर सी चीज है। बस यह समझना बाकी है कि यह कैसे काम करता है। मुझे पता है ये कैसे काम करता है, ये साधारण गम मशीन है। मुझे भी गम मशीन मिली है, पर यह काफी बड़ी है। जब तक जैक अपनी मशीन से गले मिल रहा है, मैं अपनी मशीन से कैंडल निकालने की कोशिश करती हूँ। हुर्रे, मैं किस्मत वाली हूँ, पहली बार में ही जैकपॉट। यह मस्त है। लेकिन मशीन ने केवल एक गम ही क्यों दिया? मुझे और चाहिए। मैं फिर से कोशिश करती हूँ। उफ, ये बेवकूफ मशीन, ये काम ही नहीं कर रहा है। अब क्या करूं? मैं गम कैसे निकालूं? बस हो गया, मैं इस मशीन को हथौड़े से तोड़ दूंगी। ये हथौड़ा है, ये तो टूथपिक लग रहा है। तुम्हें ये मजाक लग रहा है? तो अभी इस भारी हथौड़े के बारे में क्या ख्याल है? तो अब बाय बाय गम मशीन। हेलो च्युइंग गम। सब ठीक है, अब मुझे और तरसना नहीं होगा, मैं बस इन च्युइंग गम को खा सकती हूँ। ये कितने स्वादिष्ट है, कितना स्ट्रेची है ना ये। अच्छा, वाह, बहुत बढ़िया। सूजी के गम इतने स्वादिष्ट लग रहे हैं, इसलिए मैं भी अपने गम अपनी वेंडिंग मशीन से जल्द निकालना चाहती हूँ। हालांकि मुझे अब तक समझ नहीं आया कि कैसे करना है, मुझे लग रहा है कि ये मुश्किल है। तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम्हें इसे धीरे धीरे और बहुत सावधानी से करना होगा। तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? रुको, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। धीरे धीरे, प्रत्येक कैंडी हमारे पास आने के लिए इस छेद में गिरना चाहिए। बस हो गया, जैक ने फिर सभी को बचा लिया और इसके लिए वो पुरस्कार का हकदार है, इन च्युइंगम के रूप में। जी नहीं, मैं इसे तुम्हारे मदद के बिना भी ठीक से संभाल सकती हूँ, इसलिए यह लो। वाह, गम खाने का कितना सुविधाजनक तरीका है, कोई हाथ गंदे नहीं, इसी मशीन से छेड़छाड़ नहीं, बस एक जैक चाहिए। क्या तुम मुझे इस तरह से धन्यवाद कर रही हो? खैर ठीक है, मेरे पास भी बहुत सारे गम हैं, बस मुझे उसमें एक सिक्का डालना है और तुरंत गम मेरे हाथ में। वाह, देखो कितने सारे च्युइंगम बाहर आ गए हैं, लेकिन अभी भी उस गेंद में काफी है, मेरे पास लंबे समय के लिए पर्याप्त स्टॉक है। दोस्तों, सभी के पास च्युइंगम थी, पर किसी ने बबल बनाने के बारे में क्यों नहीं सोचा? मुझे पता है, क्योंकि तुम लोग निश्चित रूप से हारोगी। मेरा बबल बहुत बड़ा होगा और अब मैं इसे साबित करूंगा। लगता है बबल बहुत बड़ा हो गया। देखो, ज
जैक उड़ रहा है, उसे पकड़ो, नीचे खींचो। बचाओ। ओ, ओ, ये मजेदार था। लगता है हमारा अंतरिक्ष यात्री वापस पृथ्वी पर आ रहा है। हाँ, 5 मिनट की उड़ान अच्छी थी। जैक तुम बहुत मजाक किया हो। पेन, पर ये क्यों मिला है? मुझे खुद नहीं पता। मुझे भी कोई अंदाजा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि इन बॉल के अंदर कुछ स्वादिष्ट हमारा इंतजार कर रहा है। चलो पहले मुझे पल्ले पता करने दो कि इसमें क्या है। वाह, यह कोई साधारण कैंडी नहीं है, बल्कि स्कीटल्स कैंडी है, और बहुत सारे भी। मैं एक ही बार में सारी कैंडी खा लेना चाहती हूँ। ओ यार, ये बहुत स्वादिष्ट है। जैक, अब तुम्हारी बारी। हाँ, बॉल पर जो लिखा हुआ है उसे देखकर तो लग रहा है कि चॉकलेट सिरप मेरा इंतजार कर रहा है, और यह वॉफल के साथ सबसे अच्छा लगता है, तो मैं अपना वॉफल तैयार कर लेता हूँ। सब मेरे ऊपर क्यों गिर गया? लगता है तुमने वॉफल के साथ गलती की है, तुम्हें इसे बाईं तरफ रखना चाहिए था। यह कोई हंसने वाली बात नहीं है। तुम्हें पता है अभी क्या होने वाला है? अब मेरे पास एक अच्छी चॉकलेट मूछें होंगी। हाँ, एक बच्चे की तरह, और शायद बिल्ली की तरह। हमें जरा भी हंसी नहीं आ रही है। ओह चलो, तुम लोग बहुत बोरिंग हो। अच्छा होगा मैं अपना वॉफल खाऊं। मैं क्या करूं? अगर मैं बॉल में छेद करती हूं तो फैंटा मुझ पर गिरेगा। मुझे लगता है बॉल से सीधे फैंटा पी सकते हैं। इस तरह से बहुत अधिक सुविधाजनक हो जाएगा और स्वादिष्ट। अरे, तुम लोग क्या कर रहे हो? मेरे फैंटा से दूर रहो। लालची, उसे सबक सिखाना जरूरी है। बिल्कुल, यह आइडिया सही रहेगा। ये तुमने क्या किया? मैं पूरी तरह से चिपचिपी और गीली हो गई हूँ। अगली बार से इतनी लालची मत बन।